इंदौर में होने वाले एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है, जहां स्वच्छता के प्रति इंदौरियों का समर्पण देखने के लिए 20 राज्यों के स्वच्छता मिशन डायरेक्टर के साथ ही कई शहरों के निगम आयुक्त इंदौर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 19 फरवरी का दिन बेहद खास है, जहां इंदौर शहर को बायो सीएनजी प्लांट के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल स्वच्छता का पंच लगाने वाले शहर इंदौर की सफाई व्यवस्था को जानने और समझने के लिए विभिन्न शहरों के अधिकारी उत्सुक हैं। यही कारण है कि 19 फरवरी को 20 राज्यों के स्वच्छता मिशन डायरेक्टर के अलावा कई नगर निगम के आयुक्त और केंद्रीय मंत्रालय से सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी इंदौर आ रहे हैं। सीएम साहब के आने का है इस कार्यक्रम में और पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। करीबन 20 स्टेट्स से वहाँ के स्वच्छ भारत मिशन के मिशन डायरेक्टर्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हैं, लगभग 100 से 150 के बीच में पूरे देश के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स भी रहेंगे, वो भी आ रहे हैं विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में। उन ऑफिसर्स की मीटिंग विजिट भी रखी है अलग अलग जगह पर नगर निगम ने, कि शहर में जो नागरिकों ने जो भी कमाल कर दिखाया है स्वच्छता को लेकर के, उसके उपलब्धियों को देखेंगे वो अलग अलग जगह जा करके। और सभी शहर के हमारे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, गणमान्य नागरिक हैं, अलग अलग संगठन हैं, RWS हैं, उनके प्रमुख लोगों को हम लोग, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी यहाँ 5,000 की सीमित है, सिलेक्टेड लोगों को ही हम लोग बुला पा रहे हैं इसमें, और सभी लोग उपस्थित रहेंगे उस दिन। इन सभी अधिकारियों को डोर टू डोर कचरा कंट्रोल कमांड सेंटर के अलावा ट्रांसपोर्टेशन और निगम की वह सभी व्यवस्थाएँ दिखाएंगे, जिसके चलते इंदौर सफाई में नंबर 1 बना हुआ है। 19 के कार्यक्रम में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन हाउसिंग मध्य प्रदेश का, सभी ने देश के सभी शहरों को इनविटेशन भेजे हैं और उन शहरों से लगभग 20 राज्यों से विभिन्न अधिकारीगण, जिसमें SPM के मिशन डायरेक्टर्स हैं वो और अन्य म्युनिसिपल कमिश्नर्स और अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये इंदौर की एक्सपोजर विजिट का हिस्सा भी रहेगा। इंदौर की जो और फैसिलिटीज़ हैं, चाहे हमारे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हो, डोर टू डोर हो, या फिर हमारी नाइट स्वीपिंग हो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, इन सभी चीज़ों को भी ये टीम्स आकर के विजिट करेंगी और देखेंगी। जो मिनिस्ट्री से रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी सर, जॉइंट सेक्रेटरी मैडम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 फरवरी को होने वाला बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण भव्यता के साथ होने जा रहा है, जहां इस कार्यक्रम में देश भर से कई अतिथि शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।